अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जफर खान। आज मैं आपके सामने एक नए ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। आपको अगर दे दिया जाए कि एक आदमी 10 दिन में काम खत्म करता है, दूसरा आदमी 20 दिन में, अगर वो दोनों काम इकट्ठे करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर लेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ेगी। आप सिर्फ 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कितने सेकेंड में? सिर्फ 5 सेकेंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो इसमें क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है एक आदमी है, उसको अपने नाम दे दिया ए। वो कैन फिनिश द वर्क, वो काम खत्म करता है एक्स डेज में। कितने डेज में? एक्स डेज में वो काम खत्म करता है, ठीक है? ए जो है, ए कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। और जो बी है ना, बी, ये बी कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज, इन वाई डेज। जो बी है वो वाई डेज में काम खत्म करता है। फिर वो कहते हैं अगर ए और बी इकट्ठे काम करें तो ये कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? अगर ए और बी दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको लिखवा लूंगा, वो क्या है? वो ये है, एस इंटू वाई ओवर एक्स प्लस वाई, बस ये शॉर्टकट ट्रिक है। आप सिर्फ 5 सेकंड वैल्यूज पुट करें, 2 मिनट में आपका आंसर, 2 मिनट नहीं, 5 सेकंड में आपका आंसर। यहां पे एक्स, अब मैं इसको प्रैक्टिकली करने लगा हूं। अब मैं कहता हूं जो ए है वो 30 डेज में काम फिनिश करता है, 30 डेज में, और जो बी है वो 60 डेज में काम करता है। एंड बी, ये बी है, ये ए 30 दिनों में काम खत्म करता है और बी 60 दिनों में काम करता है। अगर ए और बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब इसी का मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई की जगह 30 इंटू 60 और ओवर 30 प्लस 60, ठीक है? अब आगे ये कैसे होगा, 30 और 60 था, 30 इंटू 60 ओवर 90, 90 आ गया। अब क्या हुआ, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ठीक है? 3 3 9, 3 2 6, ठीक है? ये 3 1 3, 3 10 30 इज इक्वल टू 20 डेज। बस सिर्फ 5 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं, इधर एक्स वाई वैल्यू, एक्स वाई ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे उसको एक्स वाई को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह आपका आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।